मंजिल दूर है और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी फिक्र बहुत है। मंजिल दूर है, सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी फिक्र बहुत है। मार डालती जे दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है, माँ की दुआओं में असर बहुत है। हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स व्यस्त होंगे, मस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद रखना बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन जहाँ से बन जाता है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वीडियो देखना अंत तक बच्चों, आज मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन जाता है भाई? सर्वप्रथम इसकी स्थापना कब की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ आए बच्चों, तो कमेंट्स जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। 21 मार्च 1919 को इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो हम कहेंगे लाहौर में इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है? लाहौर में। लाहौर में इसकी स्थापना की जाती है, लाहौर में की गई। फिर जब इसकी स्थापना लाहौर में की गई, उस समय आपसे पूछा जा सकता है न्यायाधीश कौन थे भी, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जज कौन थे। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जज कौन थे। फिर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? उस समय जो मुख्य जज थे वो कौन थे भाई? सर शादी लाल। कौन थे? सर शादी लाल उस समय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अगर पूछा जाए सर की उपाधि शादी लाल को कहाँ पर दी गई, तो हम कहेंगे रेवाड़ी में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा दी गई। अंग्रेजों के द्वारा ही सर शादी लाल ने राय बहादुर की उपाधि धारण कर ली थी, या उपाधि इनको मिली थी। किसकी? राय बहादुर की। क्लियर है बच्चों? अगर पूछा जाए हरियाणा में पंजाब उच्च न्यायालय का पुराना नाम क्या बन जाएगा, तो पुराना नाम घबराना नहीं है बच्चों, इसका पुराना नाम बड़ी आसानी से आपने बता देना है। पुराना नाम क्या बन जाएगा? लाहौर उच्च न्यायालय बन जाएगा। इसका पुराना नाम क्या बन जाएगा? लाहौर उच्च न्यायालय बन जाएगा। अगर आपको समझ लगे तो वीडियो शेयर जरूर कर देना। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे की ओर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद पूछा जा सकता है, या आपसे स्वतंत्रता के बाद पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता के बाद, या आपसे पूछा जा सकता है 15 अगस्त 1947 के बाद। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए। कुछ भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इन तीनों में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं आपको उससे पहले ही बता देता हूं बच्चों, क्या था? लाहौर उच्च न्यायालय था। क्या था? लाहौर उच्च न्यायालय। फिर लाहौर उच्च न्यायालय का नाम क्या कर दिया गया? नाम क्या कर दिया गया? तो हम कहेंगे पंजाब उच्च न्यायालय इसका नाम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पंजाब उच्च न्यायालय इसका क्या कर दिया गया भाई? नाम कर दिया गया। फिर आप कहोगे गुरुजी इसका नाम पंजाब उच्च न्यायालय कब किया गया? 15 अगस्त 1947 में किया गया। कहाँ पर किया गया? शिमला में किया गया। कहाँ पर किया गया भाई? शिमला में। कब इसे स्थापित किया गया? तो 15 अगस्त 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लगे तो बच्चों शेयर जरूर कर देना। आपका अपना यूट्यूब चैनल है जीके भाई गुरप्रीत सर। क्लियर है बच्चों? अगर कहोगे सर शेर सुना दीजिए, शेर भी सुना देता हूँ। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करना, खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करना,
क्योंकि अंधेरों में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, क्योंकि अंधेरों में परछाई भी साथ छोड़ देती है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपसे पूछा जाएगा आज़ादी के बाद पूछा जाए, स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए, 15 अगस्त 1947 के बाद पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा? जिस समय इसका नाम पंजाब उच्च न्यायालय रखा गया, कब? 15 अगस्त 1947 में शिमला में उस समय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम कैसे पूछेगा? आज़ादी के बाद प्रथम न्यायाधीश, स्वतंत्रता के बाद प्रथम न्यायाधीश, 15 अगस्त 1947 के बाद प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो चुपचाप राइट आंसर क्या करोगे? रामलाल थे। आपका राइट आंसर क्या होगा? रामलाल। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं बच्चों, बने रहना। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, वीडियो अंत तक देखोगे तब जाकर जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं उसका आप आंसर दे पाओगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका प्यार बहुत मिल रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे, अपने यूट्यूब चैनल तरक्कियों पे पहुंचता रहे। फिर बात आती है 17 जनवरी 1955 की, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 17 जनवरी 1955 को क्या हुआ। आप कहोगे गुरुजी बता दीजिए क्या हुआ, एक मिनट वेट कीजिए, क्या हुआ भाई? जब इसका पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ पर नाम रखा गया था? शिमला में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? शिमला में रखा गया था। कब रखा गया था? 15 अगस्त 1947 में रखा गया। फिर आप कहोगे गुरुजी शिमला से चंडीगढ़ ले आए। किसको ले आए भाई? पंजाब उच्च न्यायालय को ले आए। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। कब लेके आए? 1955 में लेके आए। कब लेके आए? 1955 में लेके आए। फिर जब इसको चंडीगढ़ में स्थानांतर किया गया, कहाँ से? शिमला से। जिस समय इसका नाम पंजाब उच्च न्यायालय था। फिर आपसे पूछा जाएगा जिस समय चंडीगढ़ में इसको स्थानांतर किया गया उस समय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय के मुख्य न्यायाधीश जज कौन थे भाई? आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। तो क्या आपका राइट आंसर होगा भाई? अमरनाथ भंडारी थे। कौन थे? अमरनाथ भंडारी। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमरनाथ भंडारी थे। फिर क्या हुआ उसके बाद भी बात कर लेते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग ही बच्चों पूछे जाते हैं, लेकिन एक मिनट का समय और दीजिए, फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा देखिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है। किसका गठन होता है? हरियाणा का गठन होता है। फिर पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ बन जाता है? पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय बन जाता है। कब बनता है भाई? 1 नवंबर 1966 को बनता है पंजाब व हरियाणा, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय बन जाता है। क्लियर है? उच्च न्यायालय बन जाता है। अब आपने कमेंट्स करके क्या बताना है? इसका नाम पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय रखा गया या हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय रखा गया? बच्चों दोनों में अंतर है, दोनों में आपने क्या करना है? कमेंट्स करके बताना है। जो सही आपको लगे बच्चों वो चुन लेना, या सही है या इसके अलावा दूसरा सही है, हरियाणा पहले आएगा पंजाब बाद में आएगा। एक तो आपने कमेंट्स ये कर देना बच्चों। फिर किसका गठन होता है आपसे पूछा जाए, हरियाणा व पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन कब होता है? तो 1 नवंबर 1966 आपका राइट आंसर होगा, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं उस समय 1919 राइट कर देते हैं, उनका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ, उस समय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय बना या हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय बना, उस समय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? मुख्य न्यायाधीश जज कौन थे? तो आप कहोगे हरियाणा के गठन के समय में कौन थे? श्री मेहर सिंह थे। उस समय कौन थे बच्चों?
श्री मेहर सिंह हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में हरियाणा के 35वें मुख्य जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हम कहेंगे रविशंकर झा। कौन है भाई? रवि शंकर झा हरियाणा के 35वें मुख्य न्यायाधीश है। अब आपने कमेंट्स करके बताना है हरियाणा के 34वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आपने कमेंट्स करके बताना है हरियाणा के 34वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है रविशंकर झा से पहले हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। रविशंकर 6 अक्टूबर 2019 को हरियाणा के क्या बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे। बच्चों ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छी लगे वीडियो तो बच्चों शेयर कर देना, समझ आए तभी भी शेयर कर देना। अगर कहोगे सर एक मिनट हमें दोबारा रिपीट कर दीजिए, दोबारा समझ आ जाएगा। देखिए हरियाणा में उच्च न्यायालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पुराना नाम लाहौर उच्च न्यायालय। सर्वप्रथम इसकी स्थापना कब की गई, 21 मार्च 1919 को लाहौर में की गई। उस समय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जज कौन थे, तो सर शादी लाल थे। सर शादी लाल का संबंध हम कहेंगे हरियाणा के रेवाड़ी जिले से था। रेवाड़ी जिले में ही शादी लाल को सर की उपाधि या राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। और शादी लाल ही थे जो शहीद भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, शहीद भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले व्यक्ति कौन थे, शादी लाल थे। उसके बारे में बाद में हमने पढ़ा। स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए, आज़ादी के बाद पूछा जाए, 15 अगस्त 1947 के बाद पूछा जाए, तीनों के एक ही बात है। लाहौर उच्च न्यायालय क्या बन गया, पंजाब उच्च न्यायालय बन गया। कहाँ पर पंजाब उच्च न्यायालय बना, शिमला में बना। कब बना, 15 अगस्त 1947 को। लाहौर से शिमला कब लाया गया, 15 अगस्त 1947 को लाया गया। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जज कौन थे, रामलाल को बनाया गया। क्लियर है भाई, किसे बनाया गया, रामलाल को बनाया गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 17 जनवरी 1955 में कहां पर लाया गया, चंडीगढ़ में लाया गया। कहां से, शिमला से लाया गया। क्लियर है भाई, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अमरनाथ भंडारी थे। उसके बाद बच्चों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है। उस समय ही पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन होता है। लेकिन आपने इस समय 1919 राइट आंसर नहीं करना, थोड़ा सा समझना है, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है भी, अब जिस समय हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मेहर सिंह थे। वर्तमान में कौन है, 35वें मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। 34वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आप कमेंट्स करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे अपने YouTube चैनल को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मस्त रहा करो बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।